सपा राज्यसभा सांसद का लखनऊ एक्सप्रेसवे के कटपुतली टोल पर हाई वोल्टेज ड्रामा। टोल मांगा तो धरने पर बैठ गए राज्यसभा सांसद सुखराम यादव। लखनऊ एक्सप्रेसवे के जनपद फिरोजाबाद के कटपुतली टोल का है मामला। घंटों चला हाई वोल्टेज ड्रामा। सूचना पर आला अधिकारी पहुंचे मौके पर। मामला जनपद फिरोजाबाद के सरसंज के निकट कटपुतली टोल टैक्स का है, जहां पर मंगलवार की देर शाम लखनऊ एक्सप्रेसवे से दिल्ली से कानपुर जा रहे राज्यसभा सांसद सुखराम यादव जब कानपुर जाने के लिए कटपुतली टोल से नीचे उतरकर नेशनल हाईवे पर अपनी मर्सिडीज कार से आ रहे थे, तो टोल कर्मचारी ने गलती से टोल टैक्स मांग लिया। उस कर्मचारी को टोल मांगना भारी पड़ गया। कर्मचारी ने तुरंत ही अपनी गलती को स्वीकार किया। इसके बावजूद भी टोल फीस मांगने पर सांसद भड़ककर टोल पर ही धरने पर बैठ गए। सूचना पर आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और टोल के इंचार्ज अधिकारियों के काफी मान मनम्बल के बाद सांसद जी धरने से हट अपने घर की ओर रवाना हुए। यह हाई वोल्टेज ड्रामा कई घंटों तक चला। ब्यूरो रिपोर्ट, साक्षी न्यूज़, फिरोजाबाद। मेरा नाम घनश्याम सिंह। आप यहाँ इंचार्ज हैं? प्लाजा इंचार्ज जी। जी, क्या मामला था आज? मामला ये था, गाड़ी के पीछे गाड़ी आती है, आगे ट्रक था, पीछे एक गाड़ी आ रही थी कार, तो उसमें सचिवालय का पास लगा हुआ था। टीसी ने उसको देख नहीं पाया तो उसने ऊपर इंटरकॉम किया, तुरंत ही बोले साहब ये गाड़ी है। उन्होंने कार्ड दिखाया रेलवे का, तो टीसी ने कहा इस पर तो छूट है नहीं। फिर जब उसने जूम करके, कैमरा जूम करके सचिवालय का पास देखा तो गाड़ी दिख गई। तुरंत ही टीसी ने कहा साहब आपको छूट है, आप जा सकते हैं। इतने में वो बहस करने लगे, बोले मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं बैठूंगा, मैं धरना दूंगा, और गाली गलौज भी की। फिर मैं तब तक पहुँचा, उनके लिए पानी वगैरह मंगाया, चेयर मंगाई। मैंने कहा साहब रिक्वेस्ट करता हूँ, बच्चा है, गलती हो गई। करीब 20 लोगों ने उनसे माफ़ी मांगी, मगर वो अपनी जिद पे अड़े रहे और वहाँ से हटे नहीं। जी, क्या नंबर था गाड़ी का? गाड़ी नंबर UB 93 AR 5111 है। कौन सी मर्सिडीज? आपका पद क्या है? आप सीनियर मैनेजर। हाँ, क्या मामला था साहब? मैं तो आगरा था, जैसे ही मुझे पता चला मैं फिर वहाँ से चला, तब तो मामला सॉल्व हो गया था। लेकिन उन्होंने, लड़कों ने यही बताया, वीडियो भी है उसकी। पहली बार लड़के ने जान नहीं पाया क्यों, गनर वगैरह नहीं था, तो उसने मना कर दिया साहब आपको छूट नहीं है। लेकिन जैसे ही उसको पता चला तो फिर उसने कहा साहब आप जाइए, लेकिन फिर वो रुक गए नहीं, पहले मना कैसे कर दिया। इस बात पर तो गुस्सा आ गया, थोड़े बुजुर्ग थे, तो फिर उन्होंने ये कह दिया कि मैं अब नहीं जाऊँगा जब तक आपका टोल नहीं बंद करा दूँगा। अच्छा। तो फिर जो है इस बाद में गए।